छत्तीसगढ़ के छात्रों से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कॉलेज की परीक्षाएं अब ऑनलाइन होंगी। उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। देरी से पढ़ाई शुरू होने का हवाला दिया गया, परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है। छात्रों की मांग पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया और अब परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। इस बात का हवाला दिया गया, इस बात का जिक्र किया गया कि पढ़ाई देरी से शुरू हुई है, पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है, इसलिए परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो, इस बात का जिक्र किया गया आदेश में। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो छात्र कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए बड़ी खबर है, अब परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पहले पेंच फंस रहा था ऑफलाइन और ऑनलाइन को लेकर, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है, परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। रायपुर चलेंगे, सत्या राजपूत से बात करेंगे। सत्या, सरकार ने बड़ा फैसला यहां पर छात्रों के हितों में लिया है, क्योंकि एक वर्ग छात्रों का लगातार ये मांग भी कर रहा था कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो। बिल्कुल, ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर जो आंदोलन का दौर था वो अब खत्म हो गया, क्योंकि आदेश जारी हो गया है कि अब जो है ऑनलाइन ही परीक्षा ली जाएगी और छात्र भी ऑनलाइन की मांग कर रहे थे। और इस फैसले को लेकर जो आंदोलनरत छात्र थे, जो वार्षिक परीक्षा दे रहे थे, यानी कि सालाना जो परीक्षा दे रहे थे, वो लोग ज़्यादा खुश हैं और वो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वही मांग कर रहे थे। और जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उसमें कहीं नाखुश दिख रहे हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि अगर हम पढ़ लिख कर एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे जो मेहनत है उसका फल सही मिलता, लेकिन घर बैठे देख कर लिखने में पता नहीं चल पाता कि कौन पढ़ा है और कौन नहीं पढ़ा है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो जो है ऑनलाइन परीक्षा के लिए आदेश जारी कर दिया गया, लेकिन इसी को लेकर हम विशेषज्ञों से बात किया, शिक्षाविदों से बात किया, तो उनका स्पष्ट कहना है कि इस बार ऑनलाइन परीक्षा लेना विद्यार्थियों के जो है विद्यार्थियों के साथ धोखा होगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है ऑनलाइन परीक्षा देकर आगे बढ़े और थर्ड ईयर भी ऑनलाइन के लिए प्रावधान कर दिया गया। ऐसे में घर बैठे परीक्षा देना हर सब्जेक्ट वालों के लिए घातक हो जाएगा। अगर इंजीनियरिंग की बात करें, चाहे हम प्रयोगशाला के लेकर बात करें, चाहे हम आर्ट्स सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया सत्या राजपूत, खबर को विस्तार से बताने के लिए बातचीत।